कोकली गांव। अच्छा तब से ये कोकली गांव। अच्छा तरपाली सैन के ऊपर है कोकली गांव। अच्छा ये थोड़ा मन अनु भाई अपनी जॉब में आ चुके हैं, पार्ट टाइम जॉब। अच्छा हाँ हमें पता नहीं क्यों नहीं फोन चा यही ताकत कि भाई देखो कितनी जंगल में एक घर है, जंगल जो देखो कितना घर है और यहाँ से व्यू देखो, वाह वाह। और धूप भी अस्त होने वाला है इसलिए हम अभी जा रहे हैं, तो महादेव की कृपा बनी रहे। तो हेलो गाइस, ऐसा करते हैं आप लोग बढ़िया होंगे, ठीक होंगे। एक नए ब्लॉग में आपका स्वागत है एक नए दिन के साथ, और बहुत हो गए शादी शुदी। आज घुमाते हैं आपको एक ट्रैवलिंग ब्लॉग, और आज जा रहे हैं भैरोखाल, जहाँ आप बहुत दिन घूमे हैं लेकिन आज कुछ नया कंटेंट निकालते हैं वहाँ, ठीक है बने रहिए और काफ़ी मज़ा आने वाला है, ठीक है। क्योंकि भाई लोग जा रहे हैं सारे, तो देखते हैं क्या क्या होता है। तो बने रहिए, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और ऐसा ही प्यार जैसा आपने शादी वाले ब्लॉगों में दिया, मतलब मेरे लाइक ठीक है यार, मेरे लाइक बहुत है वो, अगर इतना ही प्यार आप और ब्लॉगों में दोगे तो मेरे लाइक बहुत है, ठीक है। तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। चलो फिर सीधे मिलते हैं आपको रास्ते में भाई लोगों के साथ, चलो। तो ये हम पहुंच चुके हैं पैठाणी में, थोड़ा रेस्ट ब्रेक चल रहा है, और हमारे साथ हैं बहुत ही जाने माने सुपरस्टार गौरी भाई, नरेंद्र मोदी के। गौरी भाई आज कहाँ जा रहे हैं? आज जा रहे हैं घूमने के लिए भैरोखाल। आप कितनी बार जा रहे हो? बस पहली बार जा रहे हैं। पहली बार जा रहे हैं? वो तो चलो देखते हैं क्या क्या होता है, ठीक है आगे देखते हैं क्या माहौल बनेंगे। तो ये रहा पैठाणी, तो बहुत बार दिख रहा है, सीधा आगे चलते हैं। अन्नू भाई क्या हो गया पिछना देख दी क्यों आप बड़ा पुड़ी चा जरा कुछ बताओ सही, कुछ बताओ इलाका बारे में बताओ जरा क्या लगा इलाका में चाहिए बताओ हमको। इना देख अर्जुन आ देख, छोड़ दो खूबसूरत इना देख, इना देख कैसा लगा भाई इलाका, इना देखी बोलना, इना देख बोलना तो आज है बो लीजा है बो वो हरदार। तो इन खूबसूरत पहाड़ों के बारे में क्या ही बोले, मैं जितनी बार भी यहाँ आता हूँ आप लोग देखते हैं, मैं ब्लॉग में भी बहुत बार आ चुका हूँ यहाँ, लेकिन इन पहाड़ों को देखने का मन नहीं करता, ठीक है। तो इन पहाड़ों में हम कुछ बोल नहीं सकते, इन पहाड़ों का मतलब हम बयां नहीं कर सकते कुछ, तो एक गाना जरूर गाऊंगा इसमें, उसने पहाड़ों का ओ साहिबा, उसने पहाड़ों का क्या कहना, जी बारों महीने यहाँ मौसम जाड़ों का। तो भाई कैसा लगा सफर? एक नंबर, बढ़िया मजा आई। तो भाई कैसा लगा आपको? और भाई तुझे कैसा लगा? बहुत ही बढ़िया, हम राजकुमार के दोस्त भाभी ढूंढने चले। राजकुमार भाई कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा भाई। इना देख, ये की कैर बात यार भाई, एकदम मस्त गांव लगा भाई, मस्त लगा गांव थोड़ी है जो ये जो ये अरे गांव समझो मत यार, ना ना कौन चा ये कौन ना वो टंटिया। चलो भाई क्या कंटेनर अच्छा बनाएंगे आज, ये पहुंच गए हम। क्या गांव कक्षा
गांव तो नीचे है, दिल के बोल गांव में समझ ना ना गांव तो होल यार रिवर डाउन आनो यार हिंदी में बड़े बोल ही मिल जय काल भैरवनाथ। तो यहीं भैरवखाल में जस्ट नीचे में एक दुकान है, यहाँ से लोग प्रसाद भी लेते हैं और प्रसाद का रेट है 100 रुपये, 100 रुपये का ये प्रसाद है। यहाँ से हमने प्रसाद लिया और मंदिर की तरफ गए और अनु भाई बहुत व्यस्त लग रहा है, देखो वो देखो वीडियो कॉल में लगा हुआ है। तो यही खूबसूरती है कि यहाँ पे प्रसाद ही मिलता है और काफ़ी फेमस जगह है ये यार, बहुत काल भैरवनाथ का जो ये मंदिर है ना काफ़ी फेमस है पूरे पौड़ी गढ़वाल में। चलो फिर गौरी भाई के साथ हम चलेंगे अब मंदिर में। तो गौरी भाई कैसा लगा यहाँ है? अच्छा असली भाई आपको कैसा लगा, मजा आ गई है? तो ये भैरवनाथ का मंदिर आपने तो बहुत बार देखा है, यहाँ जब हम आते हैं तो हम बहुत बार हमारा आना जाना रहता है यहाँ। जय भैरव बाबा की जय हो। जय हो। और अनु भाई अपनी जॉब में आ चुके हैं, पार्ट टाइम जॉब। अच्छा हमें हाँ, पता नहीं था। जय हो राजकुमार। जय हो अनु भाई की। और सुली भाई भी आ चुके हैं अपने पार्ट टाइम जॉब में। और ये कौन है? ये पता नहीं। भाई हैं। हमारे भाई जी हैं। बताओ। उस्ताद जी। अरे जूते उतार। फोटो अनु भाई ताकत पुड़ी मा बाबा ले अब देख पुनो तड़के देख ले 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 यो इधर खुल गया थोड़ी ना सीख गया सीख गया। जय हो। क्यों आने फोन जा यही ताकत कि भाई अच्छा हाथ में दर्द होने लगा ये पुड़ी मांगा ये पकड़ अब ये पकड़ अब मैं देखो अगर क्यों बोले तो अनु भाई क्या बोलना चाहोगे कुछ भैरवखाल बारे के बारे में? अनु भाई कुछ बोल तुम कुछ बोले यार हर टहर तेल पता नहीं बोले हो यार ना ना तो मैं हम बोले अनु भाई क्यों चल रहा है लाइव तुम जा। अच्छा अभी डिस्टर्ब नहीं करना बोलो चल ठीक है। जय भैरव बाबा की जय हो। और देख सकते हो हमारे पुजारी भैरव खाल के हाँ
ये फोड़ो मोन उन्होंने सही देख मार मार फोड़ फोड़ ये ढोल फोड़ मोन ढोल नहीं फोड़ पा रहा तू भी जल्दी से जल्दी लाइव आए और राजकुमार भाई के व्लॉग देखें और जल्दी पता जा तू नहीं बोल कुछ यार वे वो डिस्टर्ब नहीं कर तू डिस्टर्ब कर जा बस दे दे वो आज दाल पीस दे मन में ठंडी चके भैरो ना जान भैरो खाल जान भैरो खाल बस और जब से कोकली गांव के बस कोकली गांव अच्छा तब से ये कोकली गांव अच्छा तरपाली सैन के ऊपर है कोकली गांव अच्छा वो सबसे पुराना गांव है अच्छा यहाँ पे कोई उस समय कोई गांव नहीं इन्हें काल आने पे फोटो नहीं आप उस रोनम क्या पढ़ेगी मैं वो बिल्ला और अनु भाई यहाँ पे घंटे भी चला रखी देखो ये देखो कितने सारे घंटियां चला रखी हैं तो यहाँ पे एक बोर्ड टंगा हुआ देखो सुंदर आरती लिखी हुई है भैरवनाथ बाबा जी की तो आप पढ़ सकते हैं पाउंस करके और घर मतलब घर में भी पढ़ सकते हैं तो ये पूरी आरती काफी सुंदर लिखा हुआ है असली मूर्ति कौन सी है नहीं असली मूर्ति ये असली मूर्ति है ऐसे मूर्ति पे काली भी स्थापना फ्रेम भी स्थापना दिए भैरव भी स्थापना सही बात और कितनी है छोटी है पर यही है जो है असली मूर्ति जय भैरवनाथ कैसे खिचर मिल तो अनु भाई कैसा लगा फिर अच्छा लगा तो आपने मतलब क्या मनोकामना मांगी मनोकामना की बात से यार बस ये चाहिए राज खुश चरण थे भगवान ने ऐसे हाथ को ऐसे चरण सिंह सलामत चरण सिंह बस ये मनोकामना पूर्ण हो चाहिए बस बाकी चरण से दुनिया में चाहिए क्या अच्छा भाई है ना सही बात सब सही था और अंकित भाई तुमने क्या बोला हमने बोला हमारे राजकुमार भाई को सुख संपत्ति मिले और उनकी एक कन्या और हो जाए और गौरी भाई और गौरी भाई तुमने क्या मांगा बहुत कुछ मांगे बहुत कुछ मांग चा क्यों मांगी सरदा और सुली भाई तुमने क्या मांगा मैंने कुछ नहीं तो अब चलेंगे नीचे घर की तरफ बहुत ये देख सकते हो आप अनु भाई को अनु भाई ने पता नहीं आज क्या मांग दिया अनु भाई ने ऐसा और अनु भाई ने बहुत अच्छे ब्लॉग बना रखे हमने लिए अनु भाई ने एक से एक ब्लॉग अपने लिए बना रखे अनु भाई के लिए हम बहुत अच्छी ये हमारे फोटो अच्छे नहीं और मतलब काफी यहाँ आके काफी ज्यादा सुकून मिलता है यहाँ का पहला तो व्यू भी अब तगड़ा है ठीक है और भैरवनाथ बाबा का भी आशीर्वाद बना रहे सब में ठीक है यहाँ की जो मान्यता है ना जैसे किसी ने अपने लिए मन्नत मांगी ठीक है यार तो यहाँ की मान्यता है कि अगर किसी ने अपने लिए मन्नत मांगी ठीक है वो पूरी हो गई उसके बाद वो यहाँ नहीं आया तो उसके सपने में भैरवनाथ बाबा आते हैं और दंड भी देते हैं और वो दंड कैसे देते हैं वो तो हमें भी नहीं पता तो यही है कि यहाँ जो मन्नत मांगते हैं उसके बाद ज़रूर आते हैं चिमटा लेके चिमटा चढ़ाते हैं क्योंकि भैरव बाबा को चिमटा चढ़ाते हैं अब अनु भाई फोटो लेंगे आप एक और उसके बाद चलेंगे घर की तरफ आगे का व्यू दिखाएंगे आपको ठीक है एक नंबर जैसे हमारे साइड होते हैं ना कांटे यहाँ देखो एक कांटा नहीं है और बांझ बांझ देखो तो इसलिए यहाँ बहुत ठंडा होता है बहुत ज़्यादा ठंडा बर्फ़ भी पड़ी थी परसों तब तो हम आए न्यूज़ टाइम तो अब आ रहे हैं तो अब नहीं है बर्फ तो जब बर्फ़ पड़ेगी तब देखेंगे और यहाँ से व्यू देखो क्या बढ़िया व्यू है वाह अब मौसम भी तगड़ा हो रखा है तो हम थोड़ा आगे और निकले यहाँ से देखो व्यू देखो कितनी जंगल में एक घर है जंगल जय देव कितना घर है और यहाँ से व्यू देखो वाह वाह ये देखो और सब जगह बांझ के पेड़ हैं देखो ये बांझ के पेड़ ये पर ये कौन कर रहे हैं गलत काम ये देखो इतने बड़े या बड़े खूबसूरत पहाड़ों के बीच में ऐसे काम नहीं करने चाहिए तो इसलिए यहाँ ठंडा है क्योंकि यहाँ बांझ के पेड़ भी ज़्यादा है देखो सब जगह उस साइड भी बांझ ही है पूरा बांझ यहाँ ऊपर तो नहीं है कुछ लेकिन आधा में बांझ है
यहाँ से आगे जाते थैलीसैंड के लिए बेरोखाल, लेकिन ये जो थैलीसैंड वाले जाते हैं वो इस रोड से नहीं बरसार वाले रोड जाते हैं, ये तो बहुत लंबा पड़ेगा, लेकिन जो यहाँ के होंगे वो इस रास्ते जाते हैं थैलीसैंड। तो मैंने पुराने ब्लॉगों में बना रखी यहाँ से आगे की वीडियो, तो देख सकते हैं हम लोग, ये देखो। तो हम सब यहाँ पे उतर रहे, अरे वाह क्या पोज है, वाह मान गए गुरु। तो आप फोटो शूट करके जाते हो अनु भाई सुल्ली भाई एंड, तो अनु भाई कैसा लगा फोटो शूट करने में? ठीक लगा यार। व्यू कैसा लगा? व्यू हमारा व्यू कल लगी बढ़िया लग यार। हैं बढ़िया लग, इधर लाजवाब। अच्छा पहलवीन चांस पहली ना यार, पहली बार आउट है यार। हैं पहलवान जी, अब वो कब घुमाने लगा, कब लाना? अब देख ले यार, तब बाद में। हैं बाद में लो लो, जब हैंग छूटे ली। हां जब हैंग छूटा। अच्छा और सुल्ली भाई कैसा लगा? बढ़िया था, फोटो सही लगी एक नंबर। हैं और गौरी भाई वो गौण लाने का वो लाड़ चुप अभी वो अनु भाई प्रसाद क्या गुलजानी है, प्रसाद खिला दे थोड़ा। अनु भाई थोड़ा प्रसाद दे यार। अरे अनु भाई तो यार बात ही नहीं मान लो यार, दे थोड़ा थोड़ा दे देना थोड़ा यार, जा देना देख लिया दिनों से। भाभी जी ने बोल रखा अगर घर प्रसाद नहीं आया तो घर मत आना, वो पहले अपनी बीबी को फोन करेंगे उनसे राय ली जाएगी। देना लबी को नहीं देना किसका, तभी परमिशन मिलेगी अभी आपको। तीन अच्छे फोन नंबर बोलो, बात करो झगड़ा सी यार, लोकेशन आने यार भाई। अरे खुले खुले धन्यवाद अनु भाई, अनु भाई ने खोल दिया, धन्यवाद अनु भाई। जा ना थोड़ा बस तौल क्या सुबह सुबह, फूल ना यार, फूल थोड़ी खाना प्रसाद पूरी तू दा ले भाई, मैं नारियल चाहना था, नारियल थोड़े से चुवा मैं आते ही खाए नहीं ना, अब केल खाए नहीं, अब जी नारियल दे दे, नारियल दे दे, नारियल दे, नारियल थोड़ा नारियल दे दे। तो ये हम पहुंच चुके हैं मजरे महादेव, जय शंकर की। और देखो क्या बढ़िया लग रहा है, झंडा भी लगा रखा है उन्होंने हनुमान जी का। यहाँ भी मैं बहुत बना रखा हूँ, तुमने देखा होगा मेरा पुराना ब्लॉग, देखते हुए नीचे जाते कि नहीं, तब तक के संग जय शंकर की। तो यहाँ पे एक बहुत फेमस जगह दिखाता हूँ आपको, ये रही, और यहाँ पे लेके आया गधे के पूत यहाँ मत मूत, ठीक है भाई, वहाँ पढ़ भाई, वहाँ यहाँ मत देख, गधे के मूत गधे के पूत यहाँ मत मूत, ठीक है गधे के पूत। लोकेशन देखो यहाँ की, यहाँ से ऊपर है सुनर गाँव, वाह क्या लोकेशन है यार भाई तगड़ी, मान गए। तो हम गए तो नहीं क्योंकि थोड़ा टाइम हो रहा है और धूप भी अस्त होने वाला है, इसलिए हम अभी जा रहे हैं, तो महादेव की कृपा बनी रहे। तो देखते हैं महाशिवरात्रि के दिन आते हैं, तो तब तक चलते हैं घर, और लाइक करें शेयर करें सब्सक्राइब करें, तो ठीक है चलो फिर चलते हैं। गांव क्या सही बोल क्या है जिन लोग भेजे अंकल पापा पापा को
हमारी घर बात के लिए भाई जी यार सबको पूछ यार घर के मेरा घर के पापा टाटा सबको पूछ यार अरे डैड भी